आज डिस्कस करेंगे शोक एब्जॉर्बर, और हम इसको बोल सकते हैं, अगर असली इसको बोलते हैं डैम्पर, इन रियलिटी हम इसको डैम्पर कह सकते हैं, जो हमारे शोक एब्जॉर्बर हैं और डैम्पर हैं। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये व्हीकल्स के अंदर यूज़ होते हैं शोक को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन एक्चुअली में जो इनका नेम है वो डैम्पर है। डैम्पर मीन्स ये डैम्पिंग इफेक्ट को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं, ना कि शोक को। तो ये देखते हैं किस तरह से शोक और डैम्पिंग इफेक्ट को ये कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग का। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है हमारे पास, और इसके नीचे हमने एक लोड लगाया W। जब हम इस लोड को या फिर इस स्प्रिंग को डिस्टर्ब कर देंगे, मान लीजिए मैं इस लोड को एकदम से नीचे खींच के छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा? इस स्प्रिंग के अंदर डिस्टरबेंस पैदा होगी, डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगी, ये ऊपर और नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा? ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसके अंदर की जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो किस तरह का बनेगा? वो लगभग इस तरह का बनेगा कि जो इसकी एनर्जी जब तक ख़त्म नहीं होगी तो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा? डिस्टरबेंस के कारण क्या हुआ? इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो गई, कंप्रेशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है कि कंप्रेशन होगा जब ये ऊपर जाएगा, फिर एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन एक्सटेंशन, इस तरह से स्प्रिंग चलता रहेगा। तो गाड़ियों में भी या किसी भी व्हीकल में भी ये स्प्रिंग लगा होता है। जब गाड़ी शोक लेती है, मान लीजिए कोई गड्ढा आ गया और गाड़ी को शोक लगा, तो ये स्प्रिंग अगर अकेला होगा तो क्या होगा? ये अप डाउन करता रहेगा और गाड़ी अनबैलेंस पोजीशन में रहेगी काफ़ी ज़्यादा देर तक। तो इससे बचने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ये शोक एब्जॉर्बर के साथ, इस स्प्रिंग के साथ ये शोक एब्जॉर्बर। ये क्या करता है? ये हमारा स्प्रिंग के जो ये अप डाउन मोशन थे, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टरबेंस थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी इसके अंदर, इसको एब्जॉर्ब करने का काम ये करता है हमारा डैम्पर। तो ये क्या काम करता है? स्प्रिंग की डिस्टरबेंस को ख़त्म करता है बहुत जल्दी, जिससे क्या होता है, गाड़ी बड़ी जल्दी कंट्रोल में आती है। वो कैसे? अगर हम स्प्रिंग के अंदर ये डैम्पर या फिर हम शोक एब्जॉर्बर, कुछ भी बोल लीजिए, ये यूज़ करेंगे, ये सिस्टम अब हम अभी देखेंगे कि कैसे काम करता है, तो क्या होगा? जैसे ही अप और डाउन जाएगा, तो जो ये हमने ग्राफ बनाया है ये हमारा कम होता चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो मीन्स क्या है कि जो इस स्प्रिंग की एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और उस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हीट के अंदर, क्योंकि एनर्जी को हम ख़त्म तो कर नहीं सकते। तो ये किसके अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा? हीट के अंदर, जिससे क्या होगा, ये ऊपर नीचे एक बार होगा और एकदम से ये हमारा जल्दी से जल्दी एनर्जी लॉस कर देगा और हमारी गाड़ी जो है बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी। ये हमारा डैम्पर का काम होता है, शोक डैम्प को एब्जॉर्ब करना। तो ये कैसे काम करता है? स्प्रिंग का फंक्शन तो आप समझ गए होंगे कि जब इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो अप डाउन मोशन करेगा। तो इसके साथ हमें लगाना पड़ा ये चीज़। ये क्या चीज़ है जो हमारे स्प्रिंग के इस डिस्टरबेंस को कंट्रोल करेगी? तो ये कैसे काम करती है? इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोलिक ऑयल होता है, हाइड्रोलिक फ्लूड कह लीजिए या फिर ऑयल कह लीजिए, ऑयल होगा। इसके अंदर हमारे पास होती है एक पिस्टन रोड, पिस्टन रोड एक लगा होता है पिस्टन। पिस्टन के अंदर यहाँ पे देखिए दोनों फिगर एक जैसी हैं, बस ये एक्सपेंशन दिखा रहा है और ये नीचे कंप्रेशन दिखा रहा है, ये एक्सपेंशन दिखा रहा है और ये कंप्रेशन। ये इसके अंदर यहाँ पे वाल्व होते हैं, यहाँ पे पिस्टन रोड के अंदर जो पिस्टन है हमारा,
पिस्टन रोड इससे अटैच है और पिस्टन के अंदर वाल्व हैं, यहाँ पर भी वाल्व हैं जो कि बेस हमारा यहाँ पे बेस है पिस्टन की तरह का ही, इसके अंदर भी वाल्व हैं, यह नीचे से अटैच है। अब क्या होगा जब हमारा जो व्हीकल है उसको शॉक लगेगा, किसी कोई गड्ढा आ गया तो उसमें लगा, तो क्या होगा एकदम से ये कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होने के कारण क्या होगा, कंप्रेस होने के कारण जो ये फ्लूड है यहाँ पे ये ओरिफिसेस हैं, मीन्स वाल्व हैं और बीच में यहाँ ओरिफिस हैं, तो जैसे ही नीचे आएगा तो फ्लूड यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, लेकिन जब ये फ्लूड को नीचे धक्का मारेगा तो फ्लूड यहाँ से भी इन वाल्व के थ्रू ट्रैवल करेगा इस सेकेंड ट्यूब के अंदर। ये सेकेंड ट्यूब है और जो ये गैप है ये है हमारा गैस का गैप, यहाँ पे गैस होती है मेनली, हम यूज़ करते हैं N2। N2 की यूज़ करते हैं क्योंकि ये फोमिंग से बचाती है। फोमिंग क्या होती है कि बबल ना बने, इस हाइड्रोलिक फ्लूड के अंदर बबल्स ना बने, तो N2 इसलिए यूज़ करते हैं। तो क्या होगा देखिए, इसको समझिए, पहला प्रोसेस जब कंप्रेशन होगा, पिस्टन रोड इसको पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलेगी, ये वाल्व ओपन हो जाएंगे और यहाँ से ये यहाँ से फ्लूड ऊपर जाएगा, लेकिन इसको रेजिस्टेंस मिलेगा जो हमारा पिस्टन है, क्योंकि ये बहुत ही कम एरिया है फ्लूड को ऊपर जाने के लिए, तो रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये क्या करेगा तो बहुत आराम से नीचे आएगा। दूसरा, जितना ये ऑयल को फ्लूड को कंप्रेस करेगा यहाँ से वाल्व ओपन हो जाएंगे और ये इस ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा, यहाँ जो गैस है वो भी थोड़ी कंप्रेस होगी लेकिन वो बैक फोर्स लगाएगी उसके ऊपर ताकि वो और कंप्रेस ना हो। तो इस तरह से हमारा जो पूरा शॉक अब्जॉर्बर काम करेगा और ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही इसके अंदर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्लूड हमारा नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से फ्लूड उल्टा यहाँ जाएगा, मीन्स इस ट्यूब से इस तरफ जाएगा, वो उसको शक करने की कोशिश करेगा जब ऊपर की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो फ्लूड ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा, तो दोनों में फ्लूड का उल्टा काम होगा जिससे हमें फ्लूड के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी, इस पिस्टन के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होगी, तो मूवमेंट में वो रेजिस्टेंस जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हीट में कन्वर्ट होगी और जो हमारा पूरा शॉक अब्जॉर्बर है जो स्प्रिंग और इसके साथ मिलकर बना है इन कंपोनेंट्स के साथ, तो हमारी व्हीकल जल्दी से अपनी पोजीशन में आ जाएगी और कंट्रोल पोजीशन में आ जाएगी। तो इसको हम ट्विन ट्यूब भी बोलते हैं, ट्विन ट्यूब शॉक अब्जॉर्बर भी बोलते हैं। ट्विन ट्यूब क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो ट्यूब होती हैं, एक तो ये वाली आउटर ट्यूब और एक इनर वाली ट्यूब। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं ऑयल बाहर की तरफ जाता है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, गैस कंप्रेस होगी, तो बहुत ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हम पूरे फ्लूड को गैस के थ्रू, इन ओरिफिसेस के थ्रू, जिससे हम जल्दी से जल्दी एनर्जी को डिसिपेट कर सकें। तो ये था हमारा शॉक एब्जॉर्बर, ट्विन ट्यूब भी हम इसको बोल सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।